हमारे इंडस्ट्री में स्पेशली सॉलिड दोस्ती इतनी आसानी से नहीं होती, बहुत लेन देन होता है आपकी सक्सेस पे, आपके फेलियर्स पर। अगर आप फेल होते हो, आप रूम एंटर करते हो, डायनामिक्स चेंज हो जाती है। आप सक्सेसफुल हो तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है लोगों की, जेन्यूनली होता है। तो हमारे इंडस्ट्री में सच्चे दोस्त बनाना आसान रहा है तुम्हारे लिए? मुझे ऐसा लगता है कि हम इंडस्ट्री में थोड़ा भावुक हो जाते हैं, हम यहाँ दोस्ती बनाने नहीं आए, और जो हमारे दोस्त हैं वो दोस्त नहीं हैं, एक्वेंटेंसेस हैं, कॉलीग्स हैं। इट्स जस्ट दैट वी आर हाइपो इमोशनल पीपल, वी आर नॉट इमोशनल, वी आर हाइपो इमोशनल। वी वॉन्ट टू मीट एंड वी कॉल एवरी वन ब्रो, एंड वी वॉन्ट यू नो, एंड देन वी गेट टेस्टेड एंड वी फेल, एंड इट्स ह्यूमन टू फेल, बट वॉट आर वी फेलिंग फॉर? कोई रिश्ता था ही नहीं, आपने इन मन लाइक आपने एक इमेजिनरी रिलेशनशिप बना दिया कि ये मेरा भाई है, फिर मेरा ट्रेलर आएगा, ये मेरे लिए पोस्ट करेगा, फिर ये मेरे प्रीमियर में भी आएगा। आपने पांच चीज़ें दे दी, अब उसने नहीं की तो आपका दोस्त नहीं। बिल्कुल सही कहा, वी एक्सपेक्ट टू मच यू नो। एंड द डे आई रियलाइज दिस, आई जस्ट फेल इन लव विद एवरीवन। आई सेड यू नो व्हाट, सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबकी इनसिक्योरिटीज हैं, सब किसी ना किसी डिल्यूजन में हैं, और सब इंसान हैं। मैं अब सिर्फ प्यार दूंगा, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सबकी रिस्पेक्ट करूंगा, मैं कभी किसी की लाइन नहीं काटूंगा, इनफैक्ट कोशिश करूंगा कि चार सबको लाइनें मिले, यू नो। सो मैंने कुछ रूल्स बनाए, मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मेरे साथ नहीं हो रही थी, मैंने कहा ओके, जब मेरे पास कुछ मौका मिलेगा या मैं इस स्तर पे होऊंगा, मैं इक्वालिटी लेके आऊंगा, मैं यू नो, एंड दिस लाइफ यू नो, यू जस्ट वांट टू फॉलो गुड वैल्यूज एंड गुड प्रिंसिपल्स। उसके बावजूद मैं इतना जरूर कहूंगा, मेरे दोस्त हैं इंडस्ट्री, दोस्त हैं, मेंटोर हैं, जैसे कि बग्स भार्गव, जिनके साथ मैंने बैलेट हाउस की थी, यूटीवी भी, सिद्धार्थ रॉय कपूर जी, सिद्धार्थ रॉय कपूर, बग्स, बग्स इज अ फादर फिगर टू मी, ही इज अ मेंटोर। वी जस्ट फिनिश्ड अ फिल्म कॉल्ड पुणे हाईवे, विच इज रेडी फॉर रिलीज, और एड फिल्म की दुनिया के माने गुरु रहे हैं, वो है ही गुरु हैं, गुरु हैं। यार आपने कहा कि मैं इस वक्त चाहता हूँ कि अगर लाइनें हो मैं बांट दूँ लोगों के बीच में, लाइनें ना काटूं। एक्सपीरियंस पास में ऐसा हुआ जो तुम्हारी लाइनें कटी थी? मैं रियली भाई, मतलब चीज़ें हुई हैं, मतलब बट अगेन आई मेड पीस, आई डोंट लाइक लुकिंग बैक। मेरे साथ जब भी कोई चीज़ बुरी होती है ना, तो एक्चुअली मुझे दुख नहीं होता, अब मैं स्टडी कर लूँगी, मुझे पता है कि मैं तो कामयाब होऊंगा, मुझे पता है मैं कामयाब, जिंदगी भर कामयाब रहूँगा, यू नो। मैं जब गिरूँगा लाइफ में उसमें भी कामयाब रहूँगा, तो मुझे इतना फेथ है अपने आप पे, यू नो। नहीं गिरूंगा कामयाब, माने गिर के ऊपर उठने में कामयाबी होगी कि गिरते वक्त का? जो भी आपकी परिभाषा है कामयाबी की, मैं कामयाब हूँ और रहूँगा, ठीक है, मेरे को यह विश्वास है। मेरे साथ जब कुछ गलत होता है तो मैं उस गलती से गुस्सा नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है ये तो दो मिनट का है, आगे कामयाबी है। तो मैं नोट्स लिखता हूँ कि इस इंसान ने ऐसा किया, मुझे बुरा लगा, मैं नहीं करूँगा। नोट्स लिखते हो अभी भी? मैं नोट्स, मैं बहुत लिखता हूँ, मैं, मेरे हफ्ते में एक जर्नल हो जाती है। माने हफ्ते के जर्नल्स? मेरा हफ्ते में एक जर्नल, मतलब एक डायरी खत्म हो जाती है। माय गॉड, पर उसमें आप नाम भी लिखते हो कि अच्छा ये बुरा मेरे साथ हुआ। बुरे लोगों में तवज्जो नहीं देता, नहीं देते, नहीं देते। तो क्या लिखते हो जर्नल? कि ये हुआ, ये नहीं करना है, ये चीज इसने की, ये रूम में ऐसे आया, उसने इस लेडी के साथ ऐसे बात की, दोबारा इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे, यू नो। हम जब काम करेंगे एक्टरों के साथ, तो सबको इकट्ठे का दर्जा नहीं, दर्जा देंगे, और चीज़ें जो भी यू नो। सो यू नो अमेजिंग थिंग इन लाइफ इज वी कैन करेक्ट एवरीथिंग, इट्स जस्ट दैट वी ऑलवेज लुकिंग एट अदर्स, क्या नहीं हो रहा है, उसने मेरे साथ बुरा किया, अरे यार उसने मुझसे दस साल पहले बुरा किया, उसका आज कोई वजूद नहीं, वो तो आगे निकल गया, उसको याद भी नहीं कि उसने तुम्हारे साथ बुरा किया, क्यों हटके हुए हो तुम, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग यहाँ स्ट्रेस लेते कि यार उसने ये किया उसने किया, वो तो निकल गया, आगे बढ़ो, नोट्स लिखो, आगे बढ़ो। देखिए बच्चन साहब हो, मनोज बाजपाई हो, ऋतिक हो, अक्षय हो, लिस्ट तो बहुत लंबी है जी। वो कौन से कुछ एक्टर्स है जिससे तुमने कुछ चीज़ें ली अपने साथ और अंदर रखी, मे बी एज अ प्रोफेशनल और मे बी एज अ ह्यूमन बीइंग, वो क्या था? आई मीन वैसे देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टर्स इन द वर्ल्ड, मैं जिनसे बहुत प्रभावित, मैं मालूम ब्रांडो को बहुत मानता हूँ कि फिल्में देखी हैं, उनके बहुत इंटरव्यूज़ देखे हैं, उनके अंदर एक फेयरलेसनेस थी, एंड वो दुनिया से बहुत आगे थे, उनके उनके अंदर एक बहुत अधिक यू नो आध्यात्मिक थे, बट उनकी फिलॉसफी बहुत पावरफुल थी। मैं आई थिंक अदर अनदर वेरी इवॉल्व्ड सोल इज शाहरुख खान, आई थिंक मिस्टर शाहरुख खान दे समथिंग, लाइक उनकी अगर आप इंटरव्यूज़ देखो, उनकी बातें सुनो, यू नो ही स्पेशल।
अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन के साथ मैंने सरकार की, मैंने वहाँ बहुत सीखा उनकी डिसिप्लिन. So, but you know, just there's something in everyone. You just keep watching and you keep picking. Also, I feel life, mein, you already also have so much. They're in the same world. So whatever they have, you have. It's about tapping. So it's not about being superior or inferior. And main toh ab logo mein ek hi cheez dekhta hun, goodness. Agar aap mein goodness nahi hai, toh, like, I don't have anything to learn from you. Agar dekha jaye, Super 30 Hrithik ke saath, right? फिल्मों पे बेस थी पर आप थे जी. गोल्ड अक्षय पे बेस थी पर आप थे. नहीं, एक्चुअली गोल्ड अक्षय सर पे नहीं बेस थी, गोल्ड हम सब पे बेस थी जी. बट एंसेंबल कास्ट, इट वाज अ एंसेंबल कास्ट. एंड अक्षय सर हैड अ ब्यूटीफुल रोल ऑफ कोर्स दैट ही प्लेड द मैनेजर, बट आई आल्सो प्लेड केडी सिंह बाबू जी. आई प्लेड यू नो सनीज कैरेक्टर वाज वेरी प्रोमिनेंट, विनीत कैरेक्टर वाज वेरी प्रोमिनेंट, कुणाल्स कैरेक्टर वाज वेरी प्रोमिनेंट. इट वाज अ फिल्म ऑन इंडियन हिस्ट्री एंड हॉकी. So every character was a hero in that film. That movie had. फिर सुल्तान भी सलमान के साथ उनकी फिल्म थी, बड़ा थे वहाँ पे. वो आप बोल सकते हो कि उनकी फिल्म थी. नहीं, ठीक है. पर ऐसा क्या है, कभी-कभार इनसिक्योरिटी आती है कि यार, वैसे बहुत से लोग मैं मिलता हूँ, especially young actors, and I put you in a young actor category. Please. ठीक है. I'm just starting. तो क्या होता है, उनको लगता है कि यार मुझे दिखना चाहिए, मुझे ज्यादा लाइनें होनी चाहिए, मुझे रोल ज्यादा होना चाहिए. पर तुमने हमेशा सेकेंड लीड हो, थर्ड लीड हो, मेन हो, वो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा है. मैं इसमें एक ऐड करूंगा, फिर मैं जवाब दूंगा. ऑल्सो आई जस्ट फील अ लॉट ऑफ अस गेट इनैमर्ड और अपसेट हाउ स्टार्स आर बिहेविंग. वी स्टार्ट फोकसिंग दैट कि ये स्टार ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, उसने मुझे हेलो क्यों नहीं बोला, ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया. मैं इन सब मैं सिर्फ रोल देखता हूँ. और एक बहुत बड़े राइटर हैं, he was actually a British playwright, he went to America, he became a big acting coach, and he also did a lot of film curating. You know how you become like how Richard Satchel is with Scorsese. Scorsese does a lot of film curating. Like he brings older films and they change the reel and they make sure that everything of history is archived. So same way, there's this guy called Keith Johnstone, and I read this book called from him called Improv. Yeah. एंड इम्प्रोव में एक चैप्टर है, उसका नाम है स्टेटस. मुझे ऐसा लगता है कई लोग गलती से रियल लाइफ में स्टेटस पकड़ के चलते हैं, एंड नॉट जस्ट मूवी पीपल, इन लाइफ सबने एक कैरेक्टर पकड़ा हुआ है स्टेटस वाला, कि मैं बड़ा हूँ, मेरे पास मर्सिडीज है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये हूँ मैं. बट उस किताब में स्टेटस था कैरेक्टर का. ओके, तो मैंने उसको ना घुट घुट के पी लिया. तो मैं एक ही चीज़ पकड़ता हूँ, मेरा स्टेटस क्या है मेरे कैरेक्टर का, मेरा नहीं. मैं आपको हटा लेता हूँ. तो जब मुझे पता चल जाता है कि मेरे कैरेक्टर का स्टेटस यही है, और फिर मैं उस स्टेटस से इंटर रिलेशनशिप्स बनाता हूँ, इसके अपने नहीं. सो अपने आप को बहुत पहले ही हटा देता हूँ पिक्चर से. तो जब मैं वहाँ हुई नहीं, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा. और फिर स्टेटस का एक्सपीरियंस होता है ना, उस एक्सपीरियंस के दौरान मेरे में एक बड़ी अमेजिंग चीज़ होगी, अगर आप कुछ गलत करोगे आएगा ही नहीं, पहुँचेगा ही नहीं मेरे तक. और आप छोटी सी अच्छी चीज़ करोगे मैं पकड़ लूँगा. अब ये कैसे हुआ मुझे नहीं पता, ये बन गया हूँ मैं ऐसा. जैसे तुमने कभी कहा था कि भले ही बड़ा स्टार हो फिल्म में, यानी तुम कहते हो तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता कौन है. सो मैं एग्जांपल देता हूँ ब्रो, दैट सुपर 30 में देयर वाज दिस रोल ऑफ 5 डेज. मेरे पास उस समय मेरी छुट्टी थी, मेरे पास कोई काम नहीं था. तो मुझे विकास ने बोला, तो मैंने कहा मैं एक शर्त में करूँगा कि मेरे को तुम्हें जो करना है मुझे करने दोगे, तो क्या करना चाहते हो. मैं पहले तुम्हें 10 किलो वज़न कम करूँगा. कहते तुम एक शॉट, जो यहाँ बड़ी पूरी पिक्चर के लिए लोग नहीं कुछ करते, तुम एक शॉट एक 10 मिनट के रोल के लिए. तो मैंने कहा यही सब आप मेरे मन में मत डालो, 10 मिनट या 3 मिनट. तो मैंने 10 किलो कम किए, पतला दुगला हुआ, ठीक है. एंड मैंने किया, एंड देन उसका देन यू ऑल्सो लर्न उसके रिजल्ट. आई प्लेड अ मीडिया रिपोर्टर. मीडिया और पुलिस को हमेशा इंडिया में बुरा ही दिखाते हैं, पर यहाँ पे एक मीडिया वाला था, वो बोलता है मीडिया बिकाऊ नहीं है, यू नो. तो वो बोलता है कुछ डायलॉग, एंड देयर वाज अ स्टैंडिंग ओवेशन व्हेन द मीडिया वाज वाचिंग दैट फिल्म. एंड एवरी ट्वीट एंड एवरी रिस्पॉन्स एंड प्रेज ऑफ दैट फिल्म मेरा भी नाम आया. तो इसका मतलब ये है कि दूसरा
आपको पता है हॉलीवुड में हर एक्टर ने 5 मिनट का रोल किया है, 10 मिनट का किया है। टॉम हैंक्स सब तो 2-2 मिनट के लिए आके चले जाते हैं फिर। ठीक है, तो मतलब कि अगर हर इंसान कहेगा मुझे हीरो ही बनना है तो ये बाकी रोल कौन करेगा? एंड पता नहीं, एक अंदर एक ताकत है, अगेन खुद पे विश्वास है, अपनी किस्मत पे विश्वास है और लोगों पे विश्वास है। मुझे लोगों पे बहुत विश्वास है, मेरी जो मुकद्दर है, मेरा जो मुझे जिस रास्ते पे जाना है, कोई ना कोई मुझे वहाँ, या मैं खुद, यू नो या मेरा खुदा या लोग मुझे वहाँ पहुँचा देंगे। बट एज अ एक्टर, इफ दैट इनर, अभी मैंने एक शॉर्ट फिल्म की है, घुसपैठ, 30 मिनट की फिल्म है, वी हैव डेडिकेटेड टू फोटोग्राफर जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी, हु वॉज शॉट बाय तालिबान। ही वॉज एन इंडियन, ही वॉज वर्किंग फॉर राउटर्स एंड BBC। ठीक है, 30 मिनट की फिल्म है। आपको पता है शॉर्ट फिल्म आप पैसे के लिए नहीं करते, आप फ्री में करते हो। ठीक है, आज जियो पे आ रही है, इतने फिल्म फेस्टिवल्स में चली गई, इंडिया देख रहा है। वॉट डू यू वॉन्ट एज एन आर्टिस्ट? फर्स्ट टू क्रिएट, टू अपलिफ्ट योर सेल्फ, एंड देन फॉर पीपल टू वॉच योर, वॉच वॉट यू हैव, राइट, एंड देन मेक मनी। Sometimes all these three things don't come together, but eventually they will. So I have this voice here, I have this, मेरे मन में जो आएगा, जो मुझे सही लगेगा, मैं कर दूंगा। माने अभी fearless state में हो तुम? सबको होना चाहिए, हाँ, सबको होना चाहिए। बट fearless का मतलब ये नहीं है कि लोगों से बदतमीजी करें, लोगों को धुतकारें, परेशान करें, निंदा करें, वो fearless नहीं है, वो कमज़ोर लोग करते हैं। ताकतवर लोग लोगों को पालते हैं, वो ताकत है। मैंने कहीं पढ़ा था कि बीच में तुमने सोचा था कि तुम इंडस्ट्री क्विट करोगे, वाज दैट ट्रू? हाँ, एक वक्त था कोविड के दरमियान, बट आई थिंक कोविड अफेक्टेड एवरीवन, सबको कोविड ने अफेक्ट किया किसी ना किसी तरीके से। मैं आई वाज इन अ, आई मीन आई विल आल्सो बी वेरी ऑनेस्ट, सुशांत पासिंग अफेक्टेड मी and the way the whole jo hindustan mein ho raha tha, log not like, it was, it just mix shell mein chala gaya tha, but of course you have to come out and it's fine, I think it's fine and it's good. I mean, it's good to know that things affect you, the society and the people and the industry, everybody is hum tough hai, hum ye zarurat nahi hai tough hone ki, apne aap ko balwan, agar cheeze aapko thes nahi pahunchati hain, ऐसे इवेंट, ऐसी चीज़ें जो होती हैं कुछ, अगर आपको उनसे दुख नहीं होता है, जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, अगर उनको कष्ट पहुंच रहा है या उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है या उनका उनके साथ कोई हादसा होता है, तो मुझे लगता है ऑफकोर्स आपको अफेक्ट होना चाहिए। तो मैं भी इंसान हूँ, सो आई वॉज अफेक्टेड विद ऑल दैट एंड देन ऑफकोर्स यू कम आउट ऑफ इट, सो या। क्या ये सच है कि सुना है कि तुम थोड़े गिल्टी फील कर रहे थे जब तुम्हें सही वक्त पे सुशांत से बात करना चाहिए था, तुम नहीं बात कर पाए? नहीं, गिल्टी तो फील नहीं कर रहा था, इट्स जस्ट दैट देयर वाज नो वे एंड देयर वाज नो वे टू रीच, आई मीन, सो आई वाज फ्रस्ट्रेटेड, इट्स लाइक आई आल्सो फील दैट इंडस्ट्री में वी लुक आउट फॉर ईच अदर, इतना इतना हेट्रिड की ज़रूरत नहीं है, या इतना छोड़ दो। सो अगर किसी का फ़ोन नहीं आया 4-5-6 महीने, पता चल रहा है कि कुछ सुनने में आ रहा है कि कोई इंसान खुश नहीं है यहाँ, तो फ़ोन कर लो, बट ऑफकोर्स माई डिसअपॉइंटमेंट वॉज दैट देर वॉज नो वे टू रीच हिम, एंड दैट डिड दैट ऑल्सो डिड अफेक्ट मी, आई मीन इट अफेक्टेड मी दैट, एंड देन आई रियलाइज दैट यू गॉट टू बी मोर अलर्ट नाउ। सो अगर अभी मेरे कुछ दोस्त हैं, अगर 5-6 महीने मुझे फ़ोन नहीं आता है, मुझे पता चलता है, मैं फ़ोन उठा के या फ़ोन पता करता हूँ कहाँ है, और इस बार मैं घर पहुँच जाऊँगा। एंड आई थिंक हम सबको ऐसा करना चाहिए, इस तरह की चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट वी शुड हैव दैट इंटेंशन, एटलीस्ट मन में इतना इंटेंशन अगर आ जाए तो उससे ही बहुत फ़र्क पड़ेगा। वी कैन बी नाइसर टू ईच अदर, आई जस्ट फील दैट इन द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया है, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बट मुझे ऐसा लगता है एज अ इंडस्ट्री हम एक फैमिली हैं। ठीक है, लड़ेंगे, और इंडस्ट्री की बातें इंडस्ट्री में रहनी चाहिए, हम खुद ही लीक करते हैं इंडस्ट्री की बातें, खुद ही एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को छोटा दिखाते हैं। जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर ऑडियंस और ये मार्केट, ये हमारी इज्जत क्यों करेगी? अगर मैं ही आपके बारे में जाके बदतमीजी करूँगा या आपको बाहर बुरा बोलूँगा तो फिर 10 लोग तो ऑफकोर्स बोलेंगे। तो आई जस्ट फील इट्स इंडस्ट्री में थोड़ा यूनिटी, थोड़ी सॉलिडारिटी और आ जाए, अदरवाइज बहुत अमेजिंग लोग हैं, सब अच्छे हैं,
I just feel like you said, sometimes we just don't know any better. And there is some better.